तो ये है मेरा बेड जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। ये हॉस्टल है अजरबैजान में, तो ये स्विच है। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा यूरोपियन स्विच था, ये आई थिंक अमेरिकन है। तो ये अपने रूम का छोटा सा मैं टूर करवाता हूँ, चेक करें दुबई की, आपके दुबई की आपकी बेड स्पेस देखी होगी दुबई की, और ये देखें अजरबैजान की बेड स्पेस, चेक करें क्या कमाल की है। झूमर वगैरह लगे हुए हैं, फर्श चेक करें इनका कितना अच्छा है। तो मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, बहुत ही सस्ता है, तकरीबन 12 मन्नत का एक रात का था। और ये देखें फायर की अभी ऑप्शन है, और ये आपको भाई जैकेट पहनी हुई है समर में भी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी सर्दी वगैरह है। और इसको क्या कहते हैं, ये कबर्ड है जहाँ पर मैंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ, लॉकर लगाया, लॉक लगा के की उसने मुझे दे दिया है। तो की मेरे पास है, ये पर्दा मैंने आगे किया, और ये बाहर जाके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर तुर्की का फ्लैग भी लगा हुआ है। ये हॉस्टल है, काफ़ी सस्ता था तो बेहतरीन है ऑप्शन जो टूरिस्ट हैं। ये देखें अजरबैजान का और साथ इसका तुर्की का फ्लैग लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं बाहर, बाहर से रिसेप्शन दिखाता हूँ। ये इनका टॉयलेट है और ये जी इनका रिसेप्शन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर बेड स्पेस जो मिलती है सबसे सस्ती मेरे ख्याल से यही है जहाँ मैं रह रहा हूँ। इसका नाम है होम स्टे ऐसा कोई नाम है, मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा और इसके जो लोकेशन है वो भी शेयर कर दूँगा अगर किसी को आना हो यहाँ पर तो। मोस्ट वेलकम, आपने जो अंदर से इन्वायरमेंट जो है वो तो देख लिया है, बिल्कुल रोड के ऊपर ही देखें आप, और बिल्कुल सेंटर के पास है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ओल्ड सिटी के पास है। तो आप इजीली इसकी लोकेशन भी देख सकते हो आप। मैं तो इधर रहूँ, सबसे सस्ता तकरीबन 12 मन्नत पड़े हैं एक रात के, मतलब 24 आवर के 12 मन्नत हैं इसके इस जगह पे। तो विच इज़ नॉट बैड, जो यूरो बनते हैं 6 यूरो बनते हैं, ठीक है, 6 यूरो में कुछ भी नहीं मिलता आपको पता है। और दरम बनते हैं 26 दरम बनते हैं, और 26 दरम में आपको पता कुछ भी नहीं मिलता। दुबई में अगर आपने कमरा लेना हो तो कम से कम आपको एक रात के लिए 100, अगर होटल लेना तो 100, अगर आपने एयरबीएनबी लेनी, मैंने याद एयरबीएनबी ली थी 2 रातों या 3 रातों के लिए, तो 129 यूरो मैंने पे किए थे। तो ये सबसे मेरे ख्याल सस्ती जगह है जो मैंने ली हुई है। आपने टाइम ही पास करना है, आप घूमने आए हो, सिटी को एक्सप्लोर करने हो, कंट्री को घूमने फिरने आए हो, एक्सप्लोर करने आए हो, तो मेरे ख्याल से आप इस जगह को विज़िट करो। मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा, बट ये कि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ये जगह रहने के लिए भी अच्छी है, आपने अंदर से देख लिया और बिल्कुल सेंटर के पास है। तो बाकी ये थी वीडियो इस बेड स्पेस के हवाले से, सस्ती है 3 रातों के लिए मैंने ली है, और जिसके मैंने 35 उसको मन्नत पे किए हैं, 36 बनते हैं वैसे तो, मैंने 35 पे किए उसको। तो उसने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, मुस्लिम कंट्री है, तुर्की को सपोर्ट करते हैं, तुर्की का फ्लैग और अजरबैजान फ्लैग आपने देख लिया साथ साथ ही लगा हुआ है। तो बस ये थी वीडियो, बाकी नीचे इस साइड पे सेंटर है ओल्ड सिटी और इस साइड पे फ्लेम टावर है। तो बाकी ये थी वीडियो, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।